फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम लवली पेरेंट्स, वेलकम अगेन टू मम्जी टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो इस वक्त इंडिया में हेल्थ रिलेटेड सबसे ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। यस, वो है एयर पोल्यूशन। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर रोशनी डालेंगे और डिस्कस करेंगे वो प्रिवेंटिव मेजर्स जिससे हम अपने बच्चों को इस डेडली एयर से बचा सकें। एयर पोल्यूशन बहुत सारे वजहों से हो सकता है, जैसे कि व्हीकल से एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशंस और क्रॉप बर्निंग। ये सारी चीज़ें मिलकर एयर को पल्यूट करती है, जो कि हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दे सकती है। ये पार्टिकुलेट जो हवा में है, ये हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है और हमारे दिल तक पहुँच सकता है। हर साल कितने सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज अपनी लाइफ खो बैठते हैं अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले। सो इट्स हाई टाइम कि हम इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें और इस पर हम एक्ट करना शुरू करें। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इस एयर पोल्यूशन से अपने बच्चे को, अपने घर को किस तरह बचा सकें। सो लेट्स फाइंड आउट कि हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम अपने बच्चों को एयर पोल्यूशन से बचा सके। सबसे पहले हमें अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। हमें देखना है और मॉनिटर करना है कि हमारे आसपास और हमारे घर के अंदर जो एयर की क्वालिटी है वो कैसी है। न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और अगर आप अफोर्ड कर सको तो एयर क्वालिटी मेजरिंग डिवाइस, उनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास की कैसी एयर क्वालिटी है। अगर आप एयर क्वालिटी मेजरिंग डिवाइस में इन्वेस्ट करते हो तो उससे बेहतर कुछ है नहीं, क्योंकि वो हमारे घर के अंदर किस टाइप की एयर क्वालिटी है वो मेजर करके बताता है। और फिर अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो AQI बताती है हमारे एरिया में क्या है। उनको देखकर आप अपने एरिया के आसपास किस टाइप की एयर क्वालिटी है उस पर नज़र रखो और इन सब फैक्टर्स को देखकर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लो कि किस तरह से हमें अपने आप को और अपने बच्चों को एयर पोल्यूशन से बचाना है, इस डेडली एयर से बचाना है। दूसरा पॉइंट जो है वो है मास्क का यूज़ करना। COVID-19 ने हमारे में ये हैबिट डेवलप करी है और हर घर में अब मास्क अवेलेबल है, जिसका पहले कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अब हर घर में मास्क अवेलेबल है और आदत भी हो चुकी है हमें। अब यही आदत हमें हमारे बच्चों में भी डालनी है, उन्हें भी समझाना है कि मास्क की इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है इस एयर क्वालिटी से टैकल करने के लिए। स्पेशली बच्चों की लाइफ में मास्क इंट्रोड्यूस करना टफ भी हो सकता है, मगर हम अगर बड़ी स्मार्टली एक्ट करें तो बहुत इजीली हम बच्चों की लाइफ में मास्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें बताने से पहले अगर हम खुद ये चीज़ फॉलो कर दें तो बच्चे हमें देख देख कर कॉपी करेंगे, क्योंकि बच्चे वो सब चीज़ें करना चाहते हैं जो हम करें। अगर आप घर से बाहर मास्क पहन कर जाओगे तो बच्चे भी क्यूरियस होंगे कि भाई ये मास्क क्यों पहन के जा रहे हैं, तो तब आप उन्हें समझाओ कि आप क्यों मास्क पहन रहे हो। और बच्चों के मास्क बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइंस में आते हैं। उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर वाले मास्क आप उन्हें पहना सकते हो, जिसको पहनकर वो बहुत खुश भी फील करेंगे, उन्हें अच्छा भी लगेगा, उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर उन्हें एक नए फॉर्म में मिल गया। और फिर धीरे धीरे उन्हें समझाइए कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। मैंने अपनी डॉटर की लाइफ में इसी तरह मास्क इंट्रोड्यूस किया। मैंने उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जो मिकी माउस है वो वाला मास्क उसे दिया और उसे समझाया कि हम ये क्यों पहन रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत डस्ट है, हवा में कीड़े होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो अगर हम ये नहीं पहनेंगे तो हमारी नाक में चला जाएगा। तो पहले पहले तो उसने बड़े शौक से पहन लिया क्योंकि उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर था, मगर वो फिर बाद में इरिटेट हो गई। लेकिन मैंने उसे बार बार समझाया, कंटिन्यूसली समझाया, और अभी चलो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे से मास्क पहन रही। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगी, घर के अंदर की एयर क्वालिटी को प्योर रखें। अंदर अच्छी और प्योर हवा को आप मेंटेन करें। वो आप मेंटेन कर सकते हो अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स लगाओगे। ग्रीन प्लांट्स अगर आप घर में लगाओगे तो बहुत अच्छी
एयर भी सर्कुलेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि स्नेक प्लांट है, वो पोल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो एयर प्योरीफायर में तो नथिंग लाइक दैट। बहुत सारे बजट में आजकल एयर प्योरीफायर अवेलेबल है। अगर आप एयर प्योरीफायर लाते हो तो रात के समय स्पेशली जब बच्चे सोते हैं, 8 से 9 घंटे वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है जब बच्चे एक जगह पर होते हैं, और उस समय बच्चे जो एयर ब्रीद कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो प्योर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्योरीफायर रख सकते हो तो उस समय स्पेशली बच्चों के लिए एयर प्योरीफायर आप ला सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। गर्मी के टाइम में एयर कंडीशन अगर आप कर सकते हो रूम को तो वो भी बहुत अच्छा एक मेजर है। उससे भी जो पोल्यूटेंट्स है वो बाहर आउट हो जाते हैं और अंदर एयर थोड़ी प्योर रहती है। जितना ज़्यादा टाइम हो सके आप घर के अंदर बिताओ। अगर बाहर जाना ही है अर्जेंटली तो मास्क पहन के जाओ, और बच्चों का जो प्लेइंग टाइम है वो घर के अंदर ही आप अरेंज करो ताकि बच्चे गेम्स इंडोर ही करें, बाहर ना जाएं तो बेटर होगा। और अगर बाहर जाएंगे तो फुल स्लीव्स कपड़े पहन कर जाएं ताकि उनकी स्किन जो है वो पोल्यूटेंट से एक्सपोज ना हो। मेक श्योर कि आप जितना अवेयरनेस बढ़ा सके अपने आसपास, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, नेबरहुड में, उतना बेटर है। अपने बच्चों को भी आप एडुकेट करें ताकि वो भी आगे अपने फ्रेंड्स में अवेयरनेस बढ़ाए, क्योंकि ये एक कलेक्टिव और जॉइंट एफर्ट है। अगर सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे तो जाकर इस एयर, बैड एयर क्वालिटी का हम कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं। ये एक जंग है जो हमें जीतनी है, और इंशाल्लाह हम ये जंग जरूर जीतेंगे। मेक श्योर आप अपने बच्चों को रेगुलर पेडियाट्रिशियन के पास चेकअप करवाएं ताकि उनकी रेस्पिरेटरी हेल्थ जांच करने के लिए आप अपने पेडियाट्रिशियन से रेगुलरली कंसल्ट करें। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन किस तरह से हम बच्चों को एयर पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।